गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू रीड अ स्टोरी विच नेम इज द बबल द स्ट्रॉ एंड द सू। दिस इज द स्टोरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। प्यारे बच्चों, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द बबल द स्ट्रॉ एंड द सू। यह कहानी तीन दोस्तों की है, तो आइए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल अ स्ट्रॉ एंड अ सू। एक समय की बात है, तीन दोस्त रहते थे, उनका नाम था बबल स्ट्रॉ एंड सू। बबल का मतलब होता है पानी का बुलबुला, स्ट्रॉ का मतलब होता है पाइप और सू का मतलब होता है जूता। तो ये तीनों दोस्त थे। वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट। एक दिन ये तीनों जंगल गए। फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल। दे केम टू अ रिवर। वे एक नदी के पास आए। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। वे नहीं जानते थे कि वे इस नदी को कैसे पार करें। द सू सैड, सू ने कहा, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। सू ने बबल से कहा कि आओ मैं आपके ऊपर पानी में तैरता हूँ। नो सू, सू ने कहा, नहीं, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। नहीं नहीं, सू ने कहा कि जो स्ट्रॉ है वह अपने को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलाएगा। देन वी कैन क्रॉस द रिवर। तब हम उसके ऊपर से नदी को क्रॉस कर लेंगे। बैंक होता है नदी का किनारा और क्रॉस होता है पार करना। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तब स्ट्रॉ ने अपने को एक किनारे से दूसरे किनारे में फैला लिया। व्हेन द सू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ इट ब्रोक। जैसे ही जब सू ने स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया, कूदा, तो जो स्ट्रॉ था वह टूट गया। द सू फेल इन टू द वाटर विद अ लाउड स्प्लैश। और जो सू था वह पानी में गिर गया एक जोर छपा की आवाज़ के साथ। जब पानी में कोई चीज़ गिरती है तो आवाज़ होती है छपाक, वही है स्प्लैश। द बबल सुक एंड सुक विद लाफ्टर एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग। जो बबल था वह खूब हिल हिल के खूब हिला हिला हंसा और हंसते हंसते वह एक बहुत ज़ोर की आवाज़ के साथ फट गया। बर्स्ट मीन्स फटना। तो ये थी हमारी स्टोरी जो कि तीन दोस्तों की थी, द बबल द स्ट्रॉ एंड द सू। अब आपको इस स्टोरी को पढ़ना है। अब आप सबके पास बुक्स हैं तो अब आप इस स्टोरी को बार बार पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमने इसी स्टोरी से कुछ हार्ड वर्ड लिए हैं। वे हार्ड वर्ड हैं, इनकी स्पेलिंग आपको लर्न करनी है और इनका मतलब भी जानना है। सबसे पहला हार्ड वर्क हमारा है वंस, ओ एन सी ई वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। सेकेंड इज लिव्ड, एल आई वी ई डी। लिव्ड का मीनिंग होता है रहते थे। थर्ड इज बबल, बी यू डबल बी एल ई, बबल। बबल मीन्स बुलबुला। फोर इज स्ट्रॉ,
STREW स्ट्रॉ का मतलब होता है पाइप. फाइव इज फॉरेस्ट FOREST फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. सिक्स इज नो KNOW नो. इसमें के साइलेंट है, इसे हम नो पढ़ते हैं. नो का अर्थ होता है जानना. सेवन इज फ्लॉट FLOAT फ्लॉट. फ्लॉट का अर्थ होता है तैरना. एट इज हिमसेल्फ HIMSELF हिमसेल्फ. हिमसेल्फ मतलब अपने आप. नाइन इज स्ट्रेच STRETCH स्ट्रेच का अर्थ होता है फैलाना. टेन इज बैंक PANK बैंक. बैंक का अर्थ होता है किनारा. इलेवन इज क्रॉस CROSS क्रॉस का अर्थ होता है पार करना. ट्वेल्व इज ब्रोक BROKE ब्रोक का अर्थ होता है टूटना. थर्टीन इज स्प्लैस SPLASH स्प्लैस का अर्थ है छपाक की आवाज़ से. जैसे पानी में कुछ चीज़ गिरती है तो आवाज़ जो होती है छपाक, वही है. फोर्टीन इज लाउड LOUD लाउड. लाउड मतलब तेजी से या तेज आवाज़. सुख SHOOK सुख मतलब हिलना. LAUGHTER लाफ्टर हंसना. बस्ट BUREST बस्ट मीन्स होता है फटना, जैसे गुब्बारे का फटना. बिग बैंग बहुत तेज आवाज. तो ये थे हमारे हार्ड वर्ड. अब इनमें से कुछ की हमने मीनिंग बनाई है, वर्ड मीनिंग. फर्स्ट इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट होता है बहुत सारे पेड़ जहाँ पर हों. जंगल, इसकी मीनिंग है जंगल. फ्लॉट तैरना, तो फ्लो ऑन वाटर पानी के ऊपर बहना. स्ट्रेच STRETCH स्ट्रेच. स्ट्रेच का अर्थ होता है अपने को फैलाना. इट्स मीन एक्सटेंड करना. लाउड बहुत तेज आवाज़ से. इट्स मीनिंग इज नॉइजी NOISY नॉइजी. नेक्स्ट इज बर्स्ट. बर्स्ट मीन्स फूटना किसी चीज़ का, फटना. इसको हम रैप्चर भी कहते हैं RUPTURE रैप्चर. तो यह था आज का हमारा काम. आप स्टोरी लिखेंगे, पिक्चर ड्रॉ करेंगे, हार्ड वर्ड लिखेंगे और वर्ड मीनिंग भी करेंगे और अपना काम करके मुझे चेक भी ज़रूर कराएंगे. ओके, बाय बाय.